कार्बोक्सिलिक एसिड की नोमिनक्लेचर बाय कॉमन सिस्टम तो रिम्बर कॉमन सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादातर सोर्स से जो है उनको नाम दिया जाता है जिस सोर्स में उपाय जाते हैं फॉर एग्जांपल एक ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपको दिखाई दे रहा है सो इट इज़ नोन एज फोमिकसड और फोमिक एसड फ्राम फोमिका यानी एंट्स में पाया जाता है ग्रीक वर्ड तो इस वजह से इसको फॉर्मिक एसिड का नाम दिया गया है दो कार्बन वाला अगर है तो इट इज़ एसिटिक एसिड और एसीटम जो है सिरका को कहा जाता है तो इस वजह से ये विनेगार में मौजूद होता है सो एसिटिक एसिड तीन कार्बन वाला अगर हो तो ये प्रोपियोनिक एसिड और प्रोपियोन फेट है तो उसमें डिराइव्ड हुआ था उसमें डिस्कवर्ड हुआ था तो इस वजह से इसको प्रोपियोनिक एसड अगला आपको चार कार्बन वाला नज़र आ रहा है सो इट इज़ ब्यूटायरिक एसेड प्रेजेंट इन बटर तो ये हो जाएगा ब्यूटायरिक एसेड नेक्स्ट वन जो है पांच कार्बन वाला सो इट इज नोन एज वेलरिक एसेड और वेलरिक एक प्लांट है तो उससे ये निकला या डिस्कवर्ड हुआ तो इस वजह इसको ये नाम दिया गया तो बस ये नाम याद रखने के होंगे कोई इस तरह खलू मौजूद नहीं है ताकि उनको हम समझ सकें फिर सब्टिट्यूट एसिड अगर ये हो कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसमें आपने याद रखना होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है दिस इज़ सी ओ ओ एच उसके साथ जो कार्बन है उसको लेबल करोगे अल्फा कार्बन, द नेक्स्ट वन इज़ बीटा कार्बन, गेमा कार्बन एंड डेल्टा कार्बन। और फिर देखोगे कि सब्टीटून इन में से किस कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो ये गेमा उसका इंडिकेट करो सब्टीट का नाम लिखो और फिर फुल कॉमन नेम लिख दो फॉर एग्जांपल ये आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा सो so, अल्फ़ा पे हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी और बाकी जो हैं तीन कार्बन हैं तो तीन कार्बन का जो कॉमन नेम था देट वाज प्रोपियोनिक एसिड तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड अच्छा इसको जो आम नेम भी दिया जाता है दैट इज़ लैक्टिक एसिड क्योंकि ये दूध में मौजूद होता है लेकस तो इस वजह से इसको लेक्टिक एसिड भी कहा जाता है द नेक्स्ट वन जब देखोगे तो अगेन यहाँ पे अब फंक्शनल ग्रुप देश वन तो इसके साथ जो कार्बन है अल्फा कार्बन बीटा कार्बन और ये हो जाएगा गेमा कार्बन तो बीटा पे क्लोरो मौजूद है तो ये हो जाएगा बीटा क्लोरो और टोटल चार कार्बन है तो ब्यूटायरिक एसिड ब्यूटायरिक एसिड अच्छा अगला जो है कुछ डाई कार्बोक्लिक एसिड होते हैं जिनमें दो कार्बोक्लिक फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से बॉन्डेड हों डायरेक्टली बॉन्ड हो सकते हैं दरमियान में सी एच टू चेन आ सकता है तो अगर दो कार्बोक्लिक एसिड बॉन्डेड होंगे तो इनको कॉमन नेम ऑक्सैलिक एसिड दिस इज ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिक वर्ड वुड से निकला है तो वुड में ये डिस्कवर्ड हुआ है तो इस वजह से ऑक्जेलिक एसिड फिर दो सी ओ ओ एच ग्रुप हैं लेकिन दरमियान में सी एच टू की एक कड़ी मौजूद है तो इसको कहा जाता है मेलोनिक एसिड और मेलोनिक एसिड फ्रॉम मेलस डोमेस्टिका एप्पल का बोटेनिकल नेम है तो वहाँ पे ये डिस्कवर्ड हुआ है तो इस वजह से मेलोनिक एसिड द नेक्स्ट वन जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अब जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हैं उनके दरमियान दो सी एच टूज नजर आएंगे तो इसको कहा जाता है सक्सिनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड। नेक्स्ट में जो आप देखोगे तो दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप हैं और दरमियान में सी एच टू के चार जो हैं फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं तो इसको कहा जाता है एसिड नो सॉरी इट इज एडिपिक एसिड एडिपिक एसिड जो नाइलोन पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल होता है दैट इज एसिड तो ये थी कॉमन सिस्टम से कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर और मैंने वो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं जो हमारे कोर्स में कहीं पे किसी भी बोर्ड के बुक्स में मौजूद हैं सूबे के बुक्स में मौजूद हैं तो ये आपसे एन एम डी केट वगैरह में ज़रूर पूछे जा सकते हैं जो आपके कोर्स में हो जो आपने कवर किया हुआ हो